आज की वीडियो में हम आपको मॉक्स 500 mg कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको मॉक्स 500 mg कैप्सूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो मॉक्स 500 mg कैप्सूल, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 123 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और यह 15 कैप्सूल का एक स्ट्रिप आता है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें अमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट होता है जो कि प्रत्येक कैप्सूल में 500 mg होता है। और आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। मॉक्स 500 mg कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। यह बैक्टीरिया के सेल वॉल को बाधित कर देता है जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं। तो इसके यूजेज की बात करें तो इसका इस्तेमाल गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, खांसी आ रही हो, गले में खराश हो, टॉन्सिल की समस्या हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कान में फुंसी हो गई हो या कान के मध्य भाग में दर्द या सूजन हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोनोरिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब से संबंधित समस्याएँ, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब होना या पेशाब नली में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब करते समय दर्द महसूस होना, तो इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। वायनल या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है। त्वचा में दाने निकल गए हों, खुजली हो रही हो, लालीपन या सूजन आ गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फोड़ा फुंसी या कहीं पर चोट लग गया हो जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हड्डियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, दांतों या मसूड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गोनोरिया को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड फीवर या नॉर्मल फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इसके मुख्य मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं मॉक्स 500 mg कैप्सूल के डोज के बारे में, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस कैप्सूल को एक एडल्ट व्यक्ति एक गोली सुबह और एक गोली शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और समस्या के ऊपर निर्भर होता है कि कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। और आइए जान लेते हैं मॉक्स 500 mg कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट जी मचलाना, उल्टी होना, इसके अलावा पेट में गैस बनना, दस्त की समस्या, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसमें मौजूद कंटेंट से अगर किसी को एलर्जी है तो एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। शरीर में खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, लाल चकत्ते हो सकते हैं। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी मॉक्स 500 mg कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।